आप देख सकते हैं कि फुल साइज जो प्याला इनका है, जो ये ओपनिंग की है, ये पापड़ी इन्होंने डाल दी है। माशाल्लाह 25 साल हो गए हैं ये काम करते हुए। ये 180 की है। मीठी चटनी इन्होंने प्योर जो है ना, ये इमली आलू बुखारे की चटनी बनाई हुई है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज हम आ गए आपके लिए एक लाहौर शहर की बहुत मजेदार सी चीज लेकर। अच्छा, यहाँ पे जो एक चीज है वो आपको मैं बता दूं कि ये दही बल्ले हैं। दही बल्ले फ्रूट चाट इनके पास मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे मैं शालामार लिंक रोड पे वहां पे खड़ा हुआ हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये बिलाल दही बल्ले और फ्रूट चाट के नाम से दुकान इनकी बहुत मशहूर है। तो आज मैं अपने मेरे खास तौर पर मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा था कि इनकी जाकर मैं वीडियो बनाऊँ, तो उनके कहने पर मैं आज यहाँ पे आ गया हूँ। तो चलते हैं, अभी अंदर चल के जो है ना इनका रिव्यू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल को कर दे सब्सक्राइब और वीडियो को देखने के बाद लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं फिर आगे मेरे साथ। जी, तो जनाब मैं जो है ना इस टाइम इनकी दुकान के अंदर आ गया हूँ। तो मेरे साथ जो है ना इस टाइम मुझे भाई जो है यहाँ पे मौजूद है ना, जो दही बल्ले वगैरह बना रहे हैं और जो पैक वगैरह करके दे रहे हैं, वो मेरे साथ मौजूद है। तो चलते हैं इनसे जो है ना कोई क्वेश्चन अगर पूछते हैं तो फिर आपको बताते हैं। आ जाए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद शहबाज। मोहम्मद शहबाज, मोहम्मद शहबाज भाई माशाल्लाह, ये आपकी यार बड़ी मैंने तारीफें सुनी है आपके दही बल्ले की और ये फ्रूट चाट वगैरह की। तो ये माशाल्लाह कितने टाइम हो गया आपकी दुकान को? हमारी दुकान को 16 साल हो गए हैं। उससे पहले हम दुकान रेडी लगाया करते, 25 साल हो गए काम करते। 25 साल हो गया मतलब कि इनको टोटल माशाल्लाह 25 साल हो गए हैं ये काम करते हुए। लेकिन यहाँ पे अभी इनको प्रॉपर दुकान बनाए हुए, यहाँ पे इनको 16 साल जो है ना अभी हुए हैं, लेकिन प्रोफेशन इनका जो है ना वो 25 साल से ये वो ये काम कर रहे हैं। अच्छा, तो एक बड़ी मजेदार जो चीज मैंने इसमें एक नोटिस भी की और आपकी जो है ना मैंने लोगों से भी सुनी है, तो उसमें ये कि एक तो आप बड़ा इसमें जो प्योर गाढ़ा जो दही होता है वो इस्तेमाल करते हैं, कोई मिलावट नहीं करते। नहीं, ये आपके सामने है, ये देखें, ये कोई वीडियो या तस्वीर बनाने के लिए नहीं, आप अचानक आए आपके सामने ऐसे ही बेहतरीन। और भी कोई आएगा तो उसको भी ऐसे ही मिलेगा, ऐसे ही मिलेगा। अच्छा, ये बड़ी मसला होता है, वो लोग कहते हैं जी आप व्लॉग बनाने जाते हैं तो आपको जो है ना वो अच्छी चीज दे देते हैं, हम जाएंगे तो मैं आपको फिर गंदी चीज देंगे, हल्की चीज देंगे, इस तरह तो कोई सीन नहीं है। आप देख सकते हैं आपके सामने वो प्याला मैंने आपको नहीं दिया, किसी और को बना कर दिए हैं। बिल्कुल, ये भी आपके लिए नहीं बना रहे, ये भी दूसरों के लिए बना रहे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जी जो लोग कहते हैं कि जी आप जाते हैं तो आपको वो स्पेशल चीज बना के देते हैं, बाकी हम जाएंगे तो हम एलपी चीज बना के देंगे, ये उनके लिए है कि वो देख लें ये चीज कि वो हर कस्टमर को यही चीज बना के देते हैं, टोटल प्योरिटी उनके पास जो है ना वो अवेलेबल है। अच्छा, तो शहबाज भाई ये आप दुकान कितने बजे ओपन करते हैं? हमारी दुकान दोपहर 3 बजे ढाई टाइम ओपन हो जाती है, रात 2 बजे तक। अच्छा, और छुट्टी 3 बजे से लेकर रात 2 बजे तक जो है ना यहाँ पे इनका काम चलता है और नॉन स्टॉप जो है ना यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रश लगा हुआ है, लोग अभी भी खड़े हुए हैं बाहर जो खा रहे हैं और लेने के लिए खड़े हुए हैं। इवन के इन्होंने यहाँ पे फैमिली हॉल भी बनाया हुआ है, वहाँ फैमिली भी जो है ना इस टाइम बैठ के जो है दही बल्ले और फ्रूट चाट जो भी इनकी स्पेशलिटी जो है वो इंजॉय कर रहे हैं वो यहाँ पे। तो ये आप कितने की प्लेट दे रहे हैं दही बल्लों की? दही बल्ले 180 रुपए की है। दही बल्ले की प्लेट 180 रुपए की है। ये देखें, ये दही बल्ले हैं आपके सामने, ये देखें, ये दही पकौड़ियाँ, ये सलाद डाली, ये मसाला हमने अपना बनाया हुआ स्पेशल, वो है ये पुदीने की चटनी है जी जी, और ये 180 की है मीठी चटनी, इसके साथ लहदा मिलेगी। अच्छा, मीठी पापड़ी की भी अगर कोई ख्वाहिशमंद है तो उसको पापड़ी भी मिल जाएगी। अच्छा, मीठी चटनी उनकी बड़ी मजेदार ये चीज है यार, मीठी चटनी इन्होंने प्योर जो है ना ये इमली आलू बुखारे की चटनी बनाई हुई है। अगर आप ये देखें इसके अंदर तो आपको नजर आएंगे आलू बुखारे इसके अंदर मौजूद है और बड़ी उन्होंने कमाल चीज की हुई है ये, ठीक है। और अगर बात करें यहाँ पे हम इनकी सफाई की, तो सफाई का भी बहुत अच्छा ख्याल किया गया है, यहाँ पे साफ सुथरा सारा काम है। तो आप देख ही सकते हैं, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं आपको रिव्यू करके बता रहा हूँ, तो कोई गलत चीज नहीं मैं बता रहा आपको, सही जो चीज है मैं आपको वही बता रहा हूँ इस टाइम। तो ये है कि अब इसमें ये मेरे सामने पीछे आप देख सकते हैं फ्रूट चाट की जो है ना, ये हमारी फ्रूट चाट है, ये 200 का प्याला है, इसके ऊपर ये देखें ये मलाई वाला दही डाल दें, क्रीम नहीं है ये, ठीक है। और ये आलू भरे वगैरह डाल, ये आप देख सकते हैं, और ये सबको ऐसे ही मिलेगी, ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, सबके लिए स्पेशल एक ही चीज है आइटम रखी हुई है। जी जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा उन्होंने काम किया हुआ यहाँ पे, तो बेहतरीन है। मैं तो यही आपको रेफर करूंगा कि आप जो है ना अपनी फैमिली के साथ एक बार जरूर विजिट करें, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे मेन रोड है ये,
तो यहाँ पे आप इजीली यहाँ पे गाड़ी पार्क कर सकते हैं। 2 बजे तक यार आपको अवेलेबल है यहाँ पे, आप जब मर्जी फ्री हो आप आके जो है ना इनका ट्राई कर सकते हैं, तो इसमें कोई मतलब इशू नहीं है, ठीक है। तो बाकी भी हम ट्राई करते हैं, आपको भी रिव्यू करके हम बताते हैं आपको। अच्छा जी, मैं आपको लोकेशन इसकी बता दूंगी, क्योंकि बड़े लोगों ने मुझे कहा कि यार आप जाते हो आप वीडियोस जो डालते हैं तो हमें लोकेशन भी प्रॉपर बताया करें, ताकि हम जो है ना एक चीज को आप जो आप दिखाना चाह रहे हैं, जो आप लोकेशन बताना चाह रहे हैं, हम उस पर एग्जैक्ट पहुंच सकें। तो मैं आपको लोकेशन बता रहा हूँ। तो ये जो है ना, ये मेन जो है इसका शालीमार लिंक रोड है, ठीक है। ये जो पीछे शालीमार बाग है, शालीमार बाग के बिल्कुल अपोजिट साइड से ये वहां से आ रहा है रोड, ठीक है। शालीमार लिंक रोड है ये, और इसके शॉप के बिल्कुल अपोजिट साइड में आप देख सकते हैं ब्रॉडवे पिज्जा है, ठीक है। इसके पीछे यहाँ पे आएगा वो जो शालीमार का हॉस्पिटल है, वो भी यहाँ पे आएगा, तो उनके बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं ये शॉप है। तो आपको मतलब इजीली मिल जाएगी, कोई इसमें मसला नहीं है कि ज्यादा ढूंढनी पड़ेगी, मेन के ऊपर ही है जी। तो जनाब ये दही भल्लों की जो एक आप देख सकते हैं कि फुल साइज जो प्याला इनका है, जो ये 180 रुपए का दे रहे हैं, वो मेरे हाथ में आ गया इस टाइम। तो बाकी आप देख सकते हैं कि इन्होंने ऊपर गार्निशिंग जो इसके ऊपर जो इन्होंने क्या टॉपिंग की है, ये पापड़ी इन्होंने डाल दी है, मसाला आप देख सकते हैं फुल इस टाइम जाना। ये मैं तो ये कहूंगा कि ये 2 पर्सन के लिए सर्विंग है, एक बंदा ये खा लेगा तो वो फुल हो जाएगा, ठीक है। 2 बंदे खा सकते हैं इजिली, अगर आप 2 लेके आएंगे तो आप एक प्याले में ही 2 को जो है ना वो काम खत्म कर सकते हैं दोनों का। तो बाकी चलते हैं फिर खाते हैं इसको, आपको फिर देखते हैं। यार दही बहुत गाढ़ा है अली, देख के मुंह में पानी आ रहा है। बहुत क्लासिकल है यार, वाकई फुल क्रीमी है जो इनका दही है ना, वो क्योंकि प्योर ये इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई इसमें मिलावट नहीं है, इसलिए वो दही भल्ले जो है इनके वो बहुत क्रीमी है, उसमें कोई झूठ वाली बात नहीं है या कोई एडवर्टीजमेंट वाली बात नहीं है, ठीक है। मैं अपने ओरिजिनल रिव्यूज करता हूँ, मैं किसी को जो है ना कोई एडवर्टीजमेंट नहीं करता या किसी से पेमेंट नहीं लेता। मैं आपको जो ओरिजिनल जो रिव्यू होगा मैं आपको वही करके बता रहा हूँ, और मैं जो बता रहा हूँ कि ये बहुत क्रीमी है और बहुत मज़ेदार है, इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है। अगर रेटिंग में आए तो मैं इनको 10 out of 9 दूंगा, ठीक है। तो बहुत क्लासिकल है, ठीक। तो व्यूअर्स मैंने अब इनका कर लिया रिव्यू, तो मैं तो कहता हूँ कि बहुत मज़ेदार थे, मुझे तो चस आई है ना खाने की, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा, सही बात कर रहा हूँ। तो इसमें ये है कि यार अब आना आपने है, आके आपने टेस्ट करने हैं, आपने फिर मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको कैसे लगे हैं, मैं आगे मेरी वीडियो सच्ची है या झूठी है, ये आपने बताना है। तो ये है कि इसके साथ भी मुझे तो इजाज़त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।